दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोनों ही टीमों ने अपने लास्ट मैच में क्लोज एनकाउंटर में जीत हासिल की। हालांकि अपने अगले मैच में दोनों ही टीमें जरूर अपनी बैटिंग यूनिट्स में सुधार करना चाहेंगी। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी भले ही दिल्ली से ऊपर है, लेकिन पहले पांच मैच गंवाने के बाद दिल्ली ने अपने आखिरी के चार में से तीन मुकाबले जीते हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज शांत शर्मा और खलील अहमद की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी को धार मिली है और उसने अपने लास्ट मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को शिकस्त दी है। वहीं पिछले मुकाबले में गेंदबाजों के कमाल प्रदर्शन की बदौलत आरसीबी ने लो स्कोर को डिफेंड किया, लेकिन उसकी जीत से ज्यादा सुर्खियां गंभीर और कोहली विवाद ने बटोरी। कोहली के लिए दिल्ली का मैदान होम ग्राउंड है और उनकी प्रेजेंस से ये दर्शकों से खचाखच भरा हो सकता है। बीमारी के चलते मिशेल मार्श अपना आखिरी गेम नहीं खेल सके थे, लेकिन माना जा रहा है कि वो रायली रूसो की जगह दिल्ली की टीम में वापसी कर सकते हैं। वहीं फिल सॉल्ट को भी दिल्ली मौका दे सकती है। बात अगर आरसीबी की करें तो डेविड विली के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए केदार जाधव भी अनुज रावत की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले खेले गए, जिसमें आरसीबी ने 18 तो दिल्ली ने 10 में जीत हासिल की, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। इस सीजन दोनों टीमों के बीच एक मैच खेला गया जिसमें आरसीबी ने 23 रन से जीत दर्ज की है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। टीवी पर इस पैसा वसूल मुकाबले को दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स 3 HD में देख सकेंगे। दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का यह मैच जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में देखा जा सकेगा। ऐप को आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी या अन्य किसी और डिवाइस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं।